तो हमारा दुर्भाग्य क्या है, इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि जो व्यक्ति हमारी सफाई के लिए निकला है उसे हम हिकारत की नज़र से देखते हैं, उसका हम अपमान करते हैं, और जो आदमी भीख मांगने के लिए निकला है उसके हम पैर छूते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलना, न्याय की बात करना, ईमानदारी की बात करना, बेईमानी ना करना, किसी के साथ अन्याय ना करना, हिंसा ना करना, यही तो धर्म है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। तो ये धर्म की रक्षा के लिए नहीं उठा रहे, इस अन्याय को बरकरार रखने के लिए उठा रहे हैं। जो बाबा साहब के वजह से हमें इस संविधान में व्यवस्था मिली और जो अपूर्ण है, जिसे पूरा नहीं होने दिया जा रहा है, इसके खिलाफ उस प्रवचन में बीच बीच में बोलते हैं और नाम ले ले के गाली देते हैं, हमारे नेताओं को गाली देते हैं। हमारे जिन नेताओं के संघर्ष की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, हम इस स्थिति में आए हैं कि हम यहाँ देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में खड़े होकर बोल पा रहे हैं, उनके वजह से और संविधान की वजह से उन्हें ये बात अखरती है। एक हमारी कमी ये भी है, कमजोरी है, या हमारी मजबूरी है, या हमारे जागरूकता की कमी है, कि हमें खुल के कहना पड़ता है, वरना हमारे लोग समझते ही नहीं। उन्हें खुल के कहने की जरूरत नहीं है, वो बस इतना कहते हैं सनातन पर खतरा है, और उनके लोग समझ जाते हैं कहाँ खतरा, कहाँ आरक्षण से ओबीसी आ रहे हैं, ओबीसी और एससी आरक्षण से भर जाएंगे, सनातन पर खतरा हो जाएगा। तो ये जो सनातन पर खतरे के नारे दिए जा रहे हैं, ये जो रामधुन गाई जा रही है, ये जो पूरे देश में कीर्तन मंडली चल रही है, ये जो जगह जगह घंटे बजाए जा रहे हैं, ये केवल आपके हक मारने के लिए बजाए जा रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उनकी आयु 18 या 19 वर्ष थी केवल, उस आयु में वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और जेल गए और लगभग 2.5 साल तक जेल में रहे। 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ तो विधायक चुने गए, और आजीवन जितने उन्होंने चुनाव लड़े किसी चुनाव में वो पराजित नहीं हुए, और उनका व्यक्तित्व इस बात से ज़्यादा रेखा, क्योंकि ये देश जातियों का देश है, यहाँ व्यक्ति हर व्यक्ति अपनी जाति लेके पैदा होता है और जातियों से पहचान की जाती, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, वो देश के लिए समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन है तो है, अगर बीमारी है तो बीमारी है। तो वो ऐसी जाति से आते थे जो बहुत कम संख्या में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती, इसके बावजूद वो कोई चुनाव नहीं हारे, तो इससे उनके व्यक्तित्व का और उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। दूसरे, उन्होंने वो दो बार मुख्यमंत्री बने, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे कई विभागों के। 1978 में उन्होंने पहली बार ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, और जैसा बदरे आलम जी ने थोड़ा इशारा किया, उसके साथ साथ उन्होंने जो 26% आरक्षण की जो व्यवस्था की थी, उसमें 3% सामान्य जाति के गरीबों के लिए और 3% महिलाओं के लिए, जो आज 75 वर्ष बाद ये नेता सोच पाए हैं, वो बात उन्होंने 1978 में सोच ली थी। इससे उनकी जो है सोच का पता चलता है। और एक उनके व्यक्तित्व की जो बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो निहायत ही ईमानदार और साधारण व्यक्ति थे, केवल कहने के समाजवादी नहीं थे, विचार से, व्यवहार से, और उनका जो जीवन था वो भी समाजवादी जीवन था, बहुत साधारण कपड़े पहनते थे, और जीवन में उन्होंने कभी कोई सरकारी सहायता नहीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो देश में कहीं भी उनके नाम पे 1 इंच ज़मीन नहीं थी, कहीं उनका घर नहीं था, और उनके बैंक अकाउंट में 2,000 या 2,200 रुपये कुल मिले। और ऐसे बहुत उदाहरण जो उनकी ईमानदारी के सबूत देते हैं। खैर, जो उनके बहाने, हम महापुरुषों का तो बहाना होता है, हमें असली अपनी समस्याओं पर और अपनी विचारधारा पर बात करनी होती है। देश में दो स्थितियां हैं, एक 22 तारीख को एक प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हुई है जिसका उत्सव पूरे देश में मनाया गया, और आज 2 दिन बाद 24 तारीख को हम कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं, 100वीं जयंती, और उन्हें भारत रत्न देने की भी घोषणा सरकार ने की है। इन दोनों चीज़ों को साथ साथ आपको देखने की ज़रूरत है। जब जब सामाजिक न्याय की बात उठी है, जब जब बराबरी की बात उठी है, जब जब गैर बराबरी दूर करने की बात उठी है, अन्याय दूर करने की बात उठी है, तब तब धार्मिक मुद्दे उछाले गए हैं, तब तब सनातन और हिंदुत्व और मंडल के सामने कमंडल ले आया गया है, चाहे गौतम बुद्ध के समय में रहा हो, चाहे कबीर के समय में रहा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का समय रहा हो, चाहे पेरियार जी का समय रहा हो, महात्मा फुले का समय रहा हो, चाहे लालू, मुलायम, पासवान, शरद यादव, काशीराम जी का समय रहा हो, और चाहे वर्तमान समय हो। आज जाति जनगणना की बात जितनी तेज़ी से उठ रही है, जाति जनगणना किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। आप कहते हो कि आरक्षण का लाभ बराबर नहीं मिला,
कुछ लोग ज़्यादा खा गए, कुछ लोगों को कम मिला। तो ये पता कैसे करोगे आप? ये पता करने का तो सबसे सरल तरीका है कि सारी जातियों की गणना करा दो और फिर ये देखो कि कौन जाति कितनी संख्या में सरकारी नौकरियों में या शिक्षा में या सत्ता में है, तभी तो आप न्याय कर पाओगे। लेकिन क्योंकि उन्हें न्याय नहीं करना है, उन्हें बेईमानी करनी है, वो अन्याय के लिए ये बात उठाते हैं, वो आपको आपके अंदर फूट डालना चाहते हैं, आपको वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि ये पिछड़ा वर्ग लगभग 60% है देश में। बिहार में क्या कहते थे? बिहार में कहते थे 50%, 45%, लेकिन जब गणना होकर आई तो सच्चाई सामने आ गई। ये गणना जहाँ जहाँ होती जाएगी आपकी जो विशाल आबादी है उसका पता चलेगा। फिर अगली मांग आपकी ये होगी कि हमें आबादी के अनुरूप जो कोटा दिया जाए। तो इसे रोकने के लिए तो जो मैंने कहा कि आज दो परिदृश्य हैं, एक तरफ वो जो सनातन का परिदृश्य है, एक तरफ सामाजिक न्याय का परिदृश्य है। इस देश के हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में दो लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं। एक आदमी हाथ में झाड़ू लेके और टोकरा लेके सफाई के लिए निकलता है और एक आदमी बगल में एक किताब लगा के, तिलक लगा के भीख मांगने के लिए निकलता है। चाहे वो किसी भी नाम पर भीख मांगता है लेकिन भीख है। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है, इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि जो व्यक्ति हमारी सफाई के लिए निकला है उसे हम हिकारत की नज़र से देखते हैं, उसका हम अपमान करते हैं, और जो आदमी भीख मांगने के लिए निकला है उसके हम पैर छूते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जिस दिन हम इस मेहनत कश का सम्मान करना शुरू कर देंगे उस दिन सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत होगी। और यही लड़ाई इन दोनों परिदृश्य में है। ये जो सनातन का मुद्दा उठाया जाता है, धर्म कहीं खतरे में नहीं है। धर्म को क्या खतरा है? धर्म को भी खतरा हो सकता है क्या? धर्म का मतलब क्या है? सच्चाई के रास्ते पर चलना, न्याय की बात करना, ईमानदारी की बात करना, बेईमानी ना करना, किसी के साथ अन्याय ना करना, हिंसा ना करना, यही तो धर्म है। और अपने अपने कर्तव्य का पालन करना। शिक्षक का धर्म है पढ़ाए, वो बच्चों को पढ़ाए। अगर शिक्षक क्लास बंक करके कीर्तन में जाके बैठता है तो वो धार्मिक थोड़ी है। पुलिस का धर्म है कि वो चोर को पकड़े। और अगर दरोगा जी अब चोरों से मिले हुए हों और मोहल्ले में चोरी करा रहे हों और कितना ही बड़ा तिलक लगा लो, वो धार्मिक थोड़ी है। तो सबके अपने 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 कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। तो ये धर्म की रक्षा के लिए नहीं उठा रहे, इस अन्याय को बरकरार रखने के लिए उठा रहे हैं। एक शब्द आपने प्रयोग किया, मुझे चार शब्दों से बड़ी आपत्ति रहती है और मैं आमतौर पर प्रयोग नहीं करता, लेकिन कई कई कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है क्योंकि सब लोग बोलते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट, बड़ी जाति छोटी जाति, मतलब ऊंची जाति नीची जाति और बड़ी जाति छोटी जाति। कोई जाति ना ऊंची होती है ना नीची होती है, ना कोई जाति बड़ी या छोटी होती है, जातियाँ सब बराबर हैं। अगर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सरकारी नाम है, ये संविधानिक व्यवस्था है। इसके अलावा मैं एक दिन एक डिबेट में बैठा था चैनल पर, डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उसमें कुछ दलित समुदाय के, कुछ ओबीसी समुदाय के मंत्री बनाए गए थे। तो एक सज्जन जो पत्रकार कहते हैं खुद को और वो समीक्षक के तौर पर बैठते हैं, उन्होंने कहा कि इस बार योगी जी ने ये बहुत अच्छा किया है कि छोटी छोटी जातियों के लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। तो मैंने कहा यार छोटी छोटी जातियों के तो पहले ही बहुत मंत्री थे, ये कहो कि बड़ी जातियों में से भी एक दो मंत्री बनाए हैं। अब वो एंकर भी, वो दोनों मेरी तरफ चौंक के देखने लगे। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है जाटव, जो कि 11% है उत्तर प्रदेश में, और दूसरे नंबर की बड़ी जाति है यादव जो कि 9% है। तो मैंने कहा जिन्हें आप बड़ा मान रहे हो वे तो 2%, 1.5%, 2.5% हैं। तो 1.5, 2 वालों के तो 10-12 मंत्री पहले ही थे, इनमें से एक दो बड़ी जातियों में से भी अब बनाया गया है। तो अगर हम बड़ी या छोटी कहें तो फिर संख्या के हिसाब से कहें, लेकिन जाति के नाम से किसी को छोटा बड़ा कहना या किसी को ऊंचा या नीचा कहना ये गलत है। तो ये जो सनातन का डंका पीटा जा रहा है, जो सनातन की घंटी बजाई जा रही है, इनके कम से कम 1000 वो गेरवे वस्त्रधारी तिलकधारी लोग ऐसे हैं जो कथा के नाम पे आते हैं, कथावाचक हैं, प्रवचन करते हैं, और वो अपने प्रवचन में बीच बीच में ये जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया चल रही है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो बाबा साहब के वजह से हमें इस संविधान में व्यवस्था मिली और जो अपूर्ण है, जिसे पूरा नहीं होने दिया जा रहा है, इसके खिलाफ उस प्रवचन में बीच बीच में बोलते हैं और नाम ले लेके गाली देते हैं, हमारे नेताओं को गाली देते हैं।
मैं किसी का नाम यहाँ उच्चारित करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे, आपने आप स्टूडेंट हैं, जागरूक हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कई वो दौड़ते रहते हैं वीडियो के, वो आते तो प्रवचन के नाम पे हैं, आते तो कथा के नाम पे हैं, लेकिन अपना मिशन परोसते हैं, अपना राजनीतिक मिशन परोसते हैं। हमारे जिन नेताओं के संघर्ष की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, हम इस स्थिति में आए हैं कि हम यहाँ देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में खड़े होकर बोल पा रहे हैं, उनकी वजह से और संविधान की वजह से, उन्हें ये बात अखरती है। वो चाहते हैं कि हम वहीं झाड़ू लगाते रहें, हम वहीं भैंस का गोबर उठाते रहें, हम वहीं दूध बेचते रहें, हम क्यों यहाँ आ रहे हैं। और इसी व्यवस्था को एक चीज़ और बता दूं, मेरे इसमें ध्यान आ गया एकदम, मैं बीच में थोड़ा मतलब विषयांतर भी नहीं है उसी विषय से संबंधित है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम घोषित की, विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना, आपने गौर किया उस स्कीम पे? जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो जो ये एक परंपरागत पेशे हैं इनको तोड़ने की लड़ाई है कि सफाई कर्मी का बेटा सफाई कर्मी क्यों बनेगा, वो आईएएस भी तो बन सकता है, मोची का बेटा मोची क्यों बनेगा, दूध बेचने वाले का बेटा दूध ही क्यों बेचेगा, वो पुलिस इंस्पेक्टर भी तो बन सकता है, एसपी भी तो बन सकता है। मोदी जी ने जो योजना लेकर आए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना, वही निर्धारित करती है कि मोची का बेटा मोची बने, बढ़ई का बेटा बढ़ई बने, लोहार का बेटा लोहार बने, नाई का बेटा नाई बने। उसमें वो 1 लाख का लोन देते हैं, लोन भी बड़ा भारी है, 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये ऋण देते हैं उस तरह खरीदने के लिए, वो चमड़ा ठोकने वाला वो खरीदने के लिए, और बढ़ई के वो बसूला खरीदने के लिए, कि आप अपने परंपरागत पेशे में रहो, यही पेशे अपनाओ। ये षड्यंत्र इस देश में चल रहे हैं, आपके आरक्षण पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, उसके बाद अभी बात आई कि कौन किस वर्ग का है, हमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन किस वर्ग का है, महत्वपूर्ण ये है कौन किस वर्ग के लिए काम कर रहा है। वीपी सिंह जी और अर्जुन सिंह जी आरक्षित वर्ग से नहीं आते थे, वो ओबीसी नहीं थे, लेकिन उन दोनों ने हमारे लिए काम किया। वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में ओबीसी आरक्षण के रास्ते खोले। तो हमें ये देखना कौन किस वर्ग के लिए काम कर रहा है। तो ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है उनको रोकने का। तो प्रधानमंत्री आज मजबूरी में, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी और आपकी ताकत दिखाई दे रही है, इसलिए मजबूरी में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन वो काम इस वर्ग के लिए नहीं करेंगे जिस वर्ग के। आज प्रधानमंत्री का एक लेख अखबारों में छपा है, डॉक्टर साहब पढ़ा होगा आपने कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सामाजिक न्याय के लिए प्रयास किए और आरक्षण की व्यवस्था लागू की, उससे करोड़ों पिछड़े वर्गों का जीवन बदला। यानी कि आरक्षण जरूरी है, इसके सकारात्मक प्रभाव हुए, फिर आप इसे कमजोर क्यों कर रहे हैं? तो इसके प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय की जब अवधारणा है, या हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जब बात करते हैं, या पसमांदा की अभी आप बात कर रहे थे, पसमांदा पे अली अनवर जी ने भी काफ़ी काम किया है, उनके उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, और हाँ हाँ, और तो पहले भी बात उठती रही है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं, ये बात मैं जब कहता हूँ तो कई बार लोग मुझे टोकते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो, लेकिन मैं जो अपनी सोच है वो कहता हूँ, हमें किसी जाति से नहीं लड़ना, हमें जातिवाद से लड़ना है, हमें जाति अन्याय से लड़ना है। हम किसी जाति के विरोधी नहीं हैं, हम ये नहीं कहते कि आपको नीचा दिखाया जाए, आपको नीचे लाया जाए, हमें बराबरी मिलाओ, हम बराबर समानता चाहते हैं, क्योंकि ये देश हमारा भी है, इस देश के लिए खून हमने भी दिया है, देश की आज़ादी की लड़ाई हमने भी लड़ी है। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये उन लोगों के लिए है जो हजारों साल की सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण शिक्षा और संसाधनों में पिछड़ गए हैं, षड्यंत्र पूर्वक पिछड़े रखे गए हैं। इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। सवाल उठाते हैं जब आरक्षण की बात होगी, तो एक सवाल आमतौर पर आपने सुना होगा, एक जुमला, आरक्षित डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा? ये बिल्कुल मूर्खता की बात है, और हमारे लोग कई बार निरुत्तर भी हो जाते हैं। आरक्षण केवल एडमिशन में है, एग्जाम में कोई आरक्षण नहीं है, वो भी तुम्हारे बराबरी पढ़ के उसी एग्जाम उसी पेपर को हल करता है जिस पेपर को आप करते हो। जब उनकी कॉपी जाँची जाती है तो वहाँ किसी को पता नहीं होता कि आरक्षित वर्ग का अनारक्षित वर्ग का है, तो मार्क्स लेके पास होता है वो भी। अब जो बच्चा घर से जिसे गाड़ी छोड़ने जाती है, जो DPS के AC रूम में बैठ के क्लास में पढ़ता है
और जो कंप्यूटर पर होमवर्क करता है और जिसके पीछे दो दो ट्यूटर लगे होते हैं, दो दो नौकर चाकर लगे होते हैं, और एक बच्चा सुबह अपनी भैंसों को नहला के फिर स्कूल जाएगा, फिर आके फिर खेत में काम करेगा जाके, अगर वो बच्चा उसके साथ बैठ के पास कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा योग्य हो। तो ये योग्यता का प्रश्न नहीं है। एक बात, जब डोनेशन पे एडमिशन होते हैं MBBS में, पैसे दे के एडमिशन होते हैं, तभी ना योग्यता बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो उन्हीं के वर्गों के लोग आते हैं, हमारे लोगों के पास तो पैसा भी नहीं है। वो पैसा दे के, अब तो नई व्यवस्था कर दी है, जीरो मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा उसमें, मैनेजमेंट कोटे में, एंट्रेंस में जीरो मार्क्स पर एडमिशन। हम तो फिर भी कुछ तो लेके आते हैं। और आजकल तो जो एग्जाम, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर परीक्षाओं में OBC की मेरिट ऊपर जा रही है। और जो आरक्षित वर्ग को गाली देते हैं, तुम तो आरक्षण की वजह से आए हो, आरक्षण, अब कौन सी जाति इस देश में ऐसी बची है जिसे आरक्षण ना हो? 8 लाख वार्षिक आमदनी पे हमें आरक्षण है, 8 लाख वार्षिक पे पंडित जी को भी है, ठाकुर साहब को भी है, अब कौन बचा है? उतने पैसे, लेकिन हमारे आरक्षण में उन्हें खोट दिखाई देता है, उनका आरक्षण बहुत जो है बढ़िया है। हमारे आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, बाउंडेशन लगवा देंगे, समीक्षा करना चाहेंगे, समीक्षा करो, समीक्षा के लिए हम तैयार हैं, आप ईमानदारी से समीक्षा करो। हमारा तो नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, हम तो अपनी संख्या से ज़्यादा मांग ही नहीं रहे। तो पहली बात तो हमें 40 साल बाद मिला, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, तो अनुच्छेद 340 में तभी व्यवस्था कर दी गई थी कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा, ले रिपोर्ट को दबा के बैठ गए, काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट आई, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, फिर दोबारा मंडल आयोग बनाया गया, मंडल आयोग की रिपोर्ट भी दबा के बैठ गए, तब जाके 91 में VP Singh की सरकार ने लागू किया जो 1950 में लागू हो जाना चाहिए था। तब भी लागू होना था तो जब हमारी आबादी 60% है तो आरक्षण भी 60% होना चाहिए था। लोहिया जी का पुराना नारा था, संसोभा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो फिर 27 क्यों दिया गया हमें? उस 27 में भी तरह तरह की बाउंडेशन लगा दी गई हैं। और आजकल तो जो भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भर्तियां निकल रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली पीछे, तो दिल्ली पुलिस में EWS के लिए 400 कुछ सीटें थी जिनका 10% आरक्षण है, और हमारे लिए 700 OBC की 700 कुछ जिनका 27% आरक्षण है। और फिर जब रिजल्ट आते हैं तो उसमें मेरिट ऊपर जा रही है OBC की, और जनरल कास्ट के कम अंक पा के भी सेलेक्ट किए जा रहे हैं, OBC ज़्यादा अंक पा के भी सेलेक्ट नहीं किए जा रहे। तो ये जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है, और हम लोगों को एक हमारी कमी ये भी है, कमजोरी है या हमारी मजबूरी है या हमारे जागरूकता की कमी है, कि हमें खुल के कहना पड़ता है, वरना हमारे लोग समझते ही नहीं, उन्हें खुल के कहने की जरूरत नहीं है, वो बस इतना कहते हैं सनातन पे खतरा है, और उनके लोग समझ जाते हैं कहाँ खतरा, का आरक्षण से OBC आ रहे हैं, OBC और SC आरक्षण से भर जाएंगे, सनातन पे खतरा हो जाएगा, उन्हें चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक के पद अपने लिए चाहिए, और अगर 4 पद हमने मांग लिए, 4 सीट हमने मांग ली, तो सनातन पे खतरा है। तो ये जो सनातन पे खतरे के नारे दिए जा रहे हैं, ये जो रामधुन गाई जा रही है, ये जो पूरे देश में कीर्तन मंडली चल रही है, ये जो जगह जगह घंटे बजाए जा रहे हैं, ये केवल आपके हक मारने के लिए बजाए जा रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है।